तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी शॉर्ट टर्म में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ के फीचर्स का, उसके फंक्शनैलिटी का, उसके टारगेट सिस्टम का। बेसिकली सिंपल सा लैंग्वेज है। सेकंड कह रहा है कि इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू। यानी ये एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, क्या वो करना चाहता है, क्या उसे करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग RE कहते हैं, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट इन द इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस। यानी जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है, वो एक प्रकार का प्रोसेस को डिफाइन करता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है, उसको मेंटेन करता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस के द्वारा। और यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ 4-स्टेप प्रोसेस विच इंक्लूड। यानी एक प्रकार का 4-स्टेप प्रोसेस होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका फिजिबिलिटी स्टडी होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, जिसे हम लोग एलिक्टेशंस भी कहते हैं। थर्ड आपका होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आपका होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। उसके बाद उसी में आता है टूल सपोर्टेड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी कौन कौन से टूल उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं इंजीनियरिंग के टर्म में। तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, यूजर ऑब्जर्वेशन जो आपका होता है, यूजर क्या ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ के लिए। क्वेश्चनरीज, यानी उसमें क्वेश्चन का प्रोसेस होना चाहिए। यूज केसेस, यूजर स्टोरीज, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप, माइंड मैपिंग, रोल मैपिंग, रोल प्लेइंग एंड प्रोटोटाइपिंग। ये बेसिकली क्या है, आपके प्रोसेसर हैं।